पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम ये नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? और ये संभव है, हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, और अगर उनके पास समाधान नहीं है मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा। समाधान बताएंगे जी? प्रधानमंत्री को समाधान निकालना चाहिए। अगर उनके पास समाधान नहीं है मुझे चाय पे बुला लें, मैं समाधान दूंगा उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर समाधान नहीं निकलते इन जटिल समस्याओं का। सिल के पानी पर विवाद की कहानी फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को फटकार लगाई और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार पहुंच गए और इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने हिसवाइल विवाद का फैसला केंद्र की मोदी सरकार के पाले में डाल दिया। केजरीवाल ने कहा कि हिसवाइल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता गंदी राजनीति कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इन दोनों राज्यों में पानी की बेहद कमी है और दोनों प्रदेशों को पानी की सख्त जरूरत है। केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि हिसवाइल के पानी पर केंद्र सरकार को समाधान निकालना चाहिए और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई समाधान नहीं है तो केजरीवाल को चाय पर बुलाया, हम समाधान बताएंगे। अभी हमारे मीडिया के एक साथी ने हिसवाइल के बारे में पूछा कि हिसवाइल पे हमारा क्या स्टैंड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिसवाइल पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हिसवाइल पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है? पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं हिसवाइल बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं हिसवाइल लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को, इंडिया को नंबर वन नहीं बनने दिया। केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। हिसवाइल बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें यह बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम ये नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है। और ये संभव है, हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, और अगर उनके पास समाधान नहीं है मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा। लेकिन बैठ के इसका समाधान करना पड़ेगा। ये स्टैंड लेने से, पंजाब में जाओ तो एक स्टैंड ले लो, हरियाणा में जाओ दूसरा स्टैंड ले लो, ये स्टैंड की राजनीति ने पूरा गड़बड़ कर दिया। और कोई प्रश्न? समाधान बताएंगे जी? प्रधानमंत्री को समाधान निकालना चाहिए। अगर उनके पास समाधान नहीं है मुझे चाय पे बुला ले, मैं समाधान दूंगा उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर समाधान नहीं निकलते इन जटिल समस्याओं के। केजरीवाल के बयानों से साफ है कि उनके पास सिल की समस्या का समाधान है और इस बात का परिणाम भी आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता महीनों पहले ही दे चुके हैं। आपको शायद याद होगा, सुशील गुप्ता ने बीते दिनों कहा था, पंजाब में आपकी सरकार आ गई है और 2024 में आपकी सरकार हरियाणा में भी बन जाएगी, जिसके बाद दोनों प्रदेशों की सरकार साथ मिलकर इस बात का हल निकालेंगे और 2025 में हरियाणा के खेतों में हिसवाइल का पानी पहुंच जाएगा।
हालांकि हरियाणा को पानी देने के सवाल पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की कोई मीटिंग केंद्र सरकार की, जो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि दोनों मीटिंग कर लें, हम मिलने को तैयार हैं, मुझे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने कहा, केंद्र सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो इस समस्या का समाधान करे, ना कि दोनों को मीटिंग में बिठाकर उसके बाद बाहर आकर अपने अपने वक्तव्य देने के लिए उनको छोड़ दें। तो मैं पंजाब एज ए हेड ऑफ द स्टेट इन पंजाब, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के आए, बातचीत करेंगे, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार जो है वो बाकी कामों के लिए राज्यों पर बहुत कुछ थोपती है। आप ये नहीं कर सकते जीएसटी, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार जो है वो पंजाब का पानी पूरा कर दे पंजाब के पास, और हरियाणा का पानी भी पूरा कर दे। हरियाणा में भी जैसा कहा कि दोनों भाई हैं छोटे, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, तो हमें लड़ाने की बजाय वो समाधान निकालें। दरअसल इसराइल के पानी को लेकर पिछले 40 सालों से हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद चल रहा है। पंजाब किसी भी सूरत पर हरियाणा को एक बूंद भी पानी देने को तैयार नहीं है। तो वही हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद अपना हक और अधिकार लेने की बात कर रहा है। बीते दिन इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो पंजाब सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि पंजाब सरकार खुद आगे आकर इस विवाद को खुद सुलझाए। बहरहाल पंजाब सरकार की ओर से केजरीवाल ने पानी का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है और साफ शब्दों में कह दिया है, अगर पीएम मोदी के पास इसराइल का समाधान है तो पीएम इस विवाद का समाधान करे, वरना केजरीवाल को चाय पर बुलाया समाधान भी निकल जाएगा और विवाद भी खत्म हो जाएगा।